ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ आप सभी को बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूं गाइस, जो इस वीडियो में जो हमारा कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस वो वाला पार्ट जो है बिल्कुल मिस मत करना। एंड गाइस बैकग्राउंड पेजेस आपको कैसे यूज करने का वो वाला पार्ट भी है बिल्कुल मिस मत करना। एंड बाकी जब तक आप इस वीडियो को गाइस कंप्लीट नहीं देख लोगे जब तक आप एडिटिंग करने मत जाना, क्योंकि अगर आप वीडियो को आधी अधूरी छोड़ के चले जाओगे तो गाइस आपकी जो एडिटिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी एंड जो है मतलब खराब से एडिटिंग हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो आप लोग जो वीडियो कंप्लीट देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आपसे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड बैकग्राउंड को देख के बिल्कुल भी घबराओ मत, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको जाना है ऐड फोटो में, यहाँ से आप सभी को जो है मतलब अपने मॉडल को ऐड करना है। एंड गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद जो आप सभी को गाइस पहले जो मतलब मेरा जो मॉडल है इसमें जो है मतलब कि कुछ यहाँ पे अभी कुछ एरिया रह रहा है इरेज करने के लिए, ठीक है। तो उसको मैं पहले इरेज करूँगा, देन आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। आपको भी अपने मॉडल कुछ इसी टाइप से ऐड करना है, ठीक है। पहले मैं इसको यहाँ पर फटाफट इरेज करता हूँ। तो यहाँ पर ओपेसिटी कम ज़्यादा करके आपको चेक करना है कि जो आपका मॉडल है उसका हैंड जो है आपके जो टाइगर है जो सामने दिख रहा है आपको टाइगर के फेस के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। आईज वगैरह जो उसकी है ढकनी नहीं चाहिए आपके फिंगर से, तो इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इनको फटाफट इरेज करता हूँ, देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। सो गाइस हमारा इतना काम हो चुका है, तो अब आप सभी को क्या करना है गाइस, देखिए यहाँ पे जो है हमने मतलब कि PNG वगैरह लगा लिया, तो बट उसके बाद जो आपको थोड़ा सा फेस है ना जो उसको भी हल्का हल्का इरेज कर लेना, क्योंकि गाइस जब मतलब आप खुद ही मतलब इमेजिन करो कि जब आप मतलब टाइगर या किसी चीज़ के ऊपर आप ऐसे मतलब अपना फेस रखोगे तो गाइस आपको जो फेस है थोड़ा सा दबेगा ना उस साइड से, तो आपको यही दिखाने के लिए आपको यहाँ से जो हल्का हल्का इरेज कर लेना है, ठीक है, अपने फेस को हल्का हल्का, ताकि जो है मतलब अपने रियलिस्टिक दिखाना है ना फोटो में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब इरेज वगैरह करना पड़ेगा। अब गाइस देखें यहाँ पे जो है थोड़ा सा ना अब हमें शेडो वेडो भी चाहिए, तो उसके लिए हम जाएंगे ऐड फोटो में, यहाँ पे बैकग्राउंड वाला ऑप्शन एंड ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है इसको ऐड करेंगे। एंड इसको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो फुल स्क्रीन करके एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट करके ब्रश लेंगे। ब्रश करने के बाद जो हम यहाँ पे साइज इंक्रीज करेंगे, फोटो को जूम करेंगे, एंड जहाँ जहाँ पे शेडो चाहिए आपको सिंपली वहाँ पे ऐसे इस तरीके से पेंट कर देना है, ठीक है। तो मेरे को भी हम यहीं पर शेडो चाहिए सिर्फ, तो मैं यहाँ पे पेंट कर दूँगा। उसके बाद जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी ओपेसिटी जो है कम कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे डार्क हो चुका है इतने एरिया में, तो अब यहाँ पे इतना बढ़िया लग रहा है। अब इसके बाद हम इसे डन करेंगे। अब गैस इतना हो जाने के बाद जो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको जाना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद जैसे गैस आपको देखो फिंगर्स वगैरह है जो उसके पास जो है आपको टाइगर की जो है मतलब कि वो लानी है, ठीक है। बाल जो है उसके ऊपर आपके ऊपर आएंगे ना, तो आपको ये वाला ब्रश लेना है। ये वाला ब्रश लेने के बाद इसका साइज छोटा कर लेना है, ठीक है। एंड साइज छोटा करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कलर, ठीक है। व्हाइट कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज अगर व्हाइट कलर में अगर आपको मैच ना करे तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने स्क्रीन पे ऐसे प्रेस करना है। एंड उसके बाद जो यहाँ से आप कोई भी जो कलर आप लगाना चाहो मतलब कि टाइगर के ऊपर जो है वो कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट करके एंड यहाँ पे जो आप इजीली मतलब कि यहाँ पे पेंट करके कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे गाइस देखिए हमने यहाँ पे ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम फोटो को जूम करेंगे। फोटो को जूम करने के बाद जो हम ऐसे पेंट करेंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं हल्का हल्का पेंट करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा करोगे ना तो ज़्यादा डार्क हो जाएगा ये, तो हल्का हल्का पेंट करना है वो इस तरीके से।
एंड यहाँ पे आपको हर जगह पे ऐसे कर लेना है, एंड साइज़ वगैरह ना जो बड़ा छोटा करके मतलब कि हल्का हल्का करना, जैसे कि मतलब आप खुद ही अपने अपने दिमाग से सोचना कि किस किस जगह पे मतलब कि बाल जो है बड़े हो सकते हैं, किस किस जगह पे छोटे हो सकते हैं, ठीक है थीके? तो आपको इसी तरीके से करना है। तो मैं आप इसको फटाफट करता हूँ, ध्यान बताता हूँ आपको आगे करना है। ओके सो यहाँ पे हमने जो है मतलब एकदम अच्छे से रेस वगैरह भी सब कुछ कर लिया है। आप यहाँ पे हम डन करेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम ऐड करेंगे एक विगनेट का पीएनजी, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद जो आपको सिंपली फुल स्क्रीन करें कुछ स्टेप्स रख देना है, एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे कर देना सिंपली डन। अब गाइस हमारा पिक्सआर्ट का काम तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, बट अभी हमें इसमें करनी है थोड़ी सी कलर करेक्शन जो कि हम करेंगे लाइटरूम ऐप में। तो अभी हम यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेंगे एंड ऐसे लेके चलेंगे उसको लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में गाइस हमने फोटो से पहले से ऐड कर रखा, तो हम जाएंगे डायरेक्ट से लाइट वाले ऑप्शन में। फिर उसके बाद गाइस हम इसका जो कॉन्ट्रास्ट है हम इसको हल्का से यहाँ पे माइनस करेंगे, हाईलाइट जो है इसको भी यहाँ पे माइनस करेंगे, शेडो जो है हम इसको हल्का से यहाँ पे इसको भी माइनस करेंगे, एंड जो वाइट है ब्लैक है जिसको बढ़ा देंगे, एंड वाइट है जिसको कम कर देंगे। फिर उसका जाएंगे हम कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद हम इसकी वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, वाइब्रेशन बढ़ाने के बाद हम जाएंगे कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, इसका सैचुरेशन हल्का सा माइनस करेंगे, एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ से लेंगे हम येलो कलर, ठीक है येलो कलर लेंगे, एंड उसके बाद इसका ह्यू माइनस कर देंगे हल्का सा, एंड सैचुरेशन प्लस। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से जाएंगे यहाँ से डार्क ब्लू में हम इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे बिल्कुल, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे जाएंगे यहाँ पर्पल कलर में हम इसका भी सैचुरेशन माइनस कर देंगे एंड कर देंगे डन। फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में विगनेट डालना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, देन आपको नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोटिफिकेशन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे जो कलर नोटिफिकेशन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चैनल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।